गाइज आज के स्टूडियो में हम लोग सिंपली पीएचपी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बात करने वाले हैं व्हाट इज एरे फ्लिप एंड व्हाट इज एरे फिल्टर फंक्शंस। यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी लोगों को डाउट आता है कि फिल्टर फंक्शन क्या होता है। एंड ऑफ एंड इस वीडियो के आपको क्लियर करवा देगा ये, तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें और आप लोग इस वीडियो पे बने रहें, आपको सिंपली क्लियर हो जाएंगे चीज़ें। मैं बिना टाइम वेस्ट के करूँगा क्या, एक नई फाइल बनाऊँगा यहाँ पे tut35.php नाम से इस तरीके से, और ये मैंने सिंपली एक फाइल बना ली इस तरीके से। तो आप लोग देखोगे मैंने फाइल बना ली है और मैं यहाँ पे php का ओपनिंग एंड php का क्लोजिंग टैग डाल देता हूँ और राइट इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने एक फाइल बना ली यहाँ पे और मैं करूँगा क्या, मैं इसके अंदर आपको सबसे पहले बताता हूँ व्हाट इज़ एरे फ्लिप। फ्लिप क्या, फ्लिप यार फ्लिपिंग करना, और मैं बेसिकली आप लोगों को बता ही देता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं सिंपली एक कलर नाम से वेरिएबल डालता हूँ, इसके अंदर मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ जहाँ पे ए की कुछ वैल्यू होगी वो होगी रेड इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो बी की वैल्यू होगी कुछ वो होगी यहाँ पर आके ब्लू इस तरीके से, और इसी के साथ साथ जो आपकी सी होगी उसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू होगी, वो कुछ भी कर दो। आप लोग एग्जांपल के लिए मैं ग्रीन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये आपने एसोसिएटिव एरे क्रिएट कर लिया और मैंने यहाँ पे एरो नहीं लगाया, मैंने एरो लगा दिया। चलो तो गाइज करते क्या, सबसे पहले यहाँ पर आके करेंगे ये कि मैं अगर ऐसा करूँ कि मैं यहाँ पर प्रिंट आर करूँ, लेकिन प्रिंट आर से मुझे पहले एको करना पड़ेगा ताकि चीज़ें थोड़ी खूबसूरत दिखें। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्री टैग का यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर, और मैं कर क्या सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एको कर सकता हूँ यहाँ पे आके मैं यहाँ पे सिंपली कर सकता हूँ नोट प्रिंट, मुझे यहाँ पे प्रिंट आर करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे सिंपली डाल सकता हूँ इस कलर को ऑब्वियसली। और मैं जैसे कलर्स को डालूंगा और इस कोड को मैं रन करूँगा, तो कोड को रन करने के लिए आप लोग सिंपली श्योर करें कि आपका जो अपाचे है वो सिंपली स्टार्ट होना चाहिए जंप के अंदर, ठीक है, तभी ये फाइल रन होगी। मैं यहाँ पर लोकल होस्ट लिखता हूँ और इंटर मारता हूँ, मैंने किया। आप लोग जो PHP ट्यूटोरियल्स डायरेक्टरी, इस पर आप लोग क्लिक दें अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो, अगर आपकी कोई अलग फाइल है तो आप लोग इस तरीके से कर लें। tut35.php नाम से मैंने फाइल बनाई है, अभी उसको मैंने रन किया, ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है जो कि है ही नहीं कुछ। सिंपली ये बोला कि एसोसिएटिव एरे है और ए की वैल्यू रेड है, बी की वैल्यू ब्लू है, सी की वैल्यू ग्रीन है इस तरीके से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आके कि फ्लिपिंग कैसे करवाई जाए, तो यार कुछ करना ही नहीं है। मैं आपको सबसे पहले उसका सिंटैक्स बताता हूँ। सिंटैक्स ऑफ द फ्लिपिंग एरे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूँ, आपको लिखना एरे एंड सिंपली आपको फ्लिप लिखना है। इसके अंदर बेसिकली आप लोग पास करोगे अपना मैन वेरिएबल एरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको करके बताता हूँ। अगर मैं सिंपली एको करता हूँ यहाँ पे जाके और मैं ब्रैक करता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी नीचे दिखें, एक स्पेस छोड़ के एक लाइन का, और मैं प्रिंट आर करता हूँ यार इस तरीके से, और मैं यहाँ पे सिंपली उसमें कलर पास कर देता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, एरे फ्लिप लिखना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे यहाँ पे सिंपली कलर पास करना पड़ेगा, और मैंने कर दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखो होगा क्या, ये जो रेड है ये ए की जगह आ जाएगा, या ब्लू है ये बी की जगह आ जाएगा, और ये जो बी है ये ब्लू की जगह आ जाएगा, ठीक है। और ये जो सी है ये ग्रीन की जगह है, और ग्रीन है वो सी की जगह आ जाएगा। चलो रिफ्रेश करते हैं और ये देख सकते हो रेड, और उसके आगे ए आ चुका है। जो रेड है वो सिंपली की बन चुकी है, जो ए है वो उसकी वैल्यू बन चुकी है। कुछ इस तरीके से हम लोग फ्लिप करवा सकते हैं। अगर बाई चांस आपको ऐसी प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ गया, ऐसी कुछ लॉजिक लगाना पड़ गया कि ये कैसे होगा, तो आप लोग यूज़ करें सिंपली एरे फ्लिप का, ठीक है। चलो जी इतना ही था इसमें, अब हम लोग बात करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एरे फिल्टर क्या होता है, व्हाट इज़ एरे फिल्टर। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को सपोज दैट एक ऐसा टास्क दिया गया है जिसमें आप लोगों को कुछ इमेज की एक वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर हर तरीके की इमेजेस हैं और आपको इमेज रखनी है, ऊपर एक सर्च का बटन देना है, जब भी कोई यूज़र सर्च करेगी नेचर की इमेज आ जाए, जब भी कोई सर्च करे कोई प्रोग्रामिंग की इमेज आ जाए, तो आप लोग को वहाँ पे शो करवानी है ओनली प्रोग्रामिंग की इमेजेस, ना कि वो सारी इमेजेस आप वहाँ पे शो करवाओगे। आप लोग को बाय डिफ़ॉल्ट जो उससे रिलेटेड इमेज है ना, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, वो इमेज आपको शो करवानी है, और बाकी की जो इमेजेस हैं वो आपको शो नहीं करवानी है। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो फिल्टर का, तो वो सिंपली आपका फिल्टर ही होता है। फिल्टर करना बेसिकली एरे है, उस एरे में से आपको क्या चीज़ चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ आप लोग बताते हो और वो चीज़ आपको रिटर्न में मिलती है। तो गाइस चलते हैं एक बार प्रोग्राम बनाते हैं, इसको अच्छे से क्लियर करते हैं कि मैं करूँगा क्या। एक नंबर इस तरीके से वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर मैं कुछ नंबर लिखूँगा लाइक 22, 11 एंड 34, 43
एंड 56, 65 इस तरीके से मैं नंबर लिखता हूँ, 78 एंड 87 इस तरीके से मैंने चलो नंबर लिख दिया, 89 लिख दिया एंड 99 लिख दिया, और मैं यहाँ पे सिंपली कोमा देके इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपली एरे बना दिया, और इस एरे के अंदर मुझे क्या चाहिए, इस एरे के अंदर मुझे ये चीज़ चाहिए कि जो एरे है ना, इसके अंदर जो भी आइटम है अगर वो कम्प्लीटली टू से डिवाइड हो जाता है, अगर उसका रिमाइंडर सिंपली टू से डिवाइड करने पे जीरो आता है, तो आप लोग उस आइटम को मेरे सामने प्रेजेंट करो, बाकी के जितने भी आइटम्स हैं वो मेरे सामने प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। कुछ इस तरीके का हम लोग यहाँ पे टास्क देख रहे हैं। तो गाइस करेंगे क्या उसके लिए, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ करना क्या है। आप लोग सिंपली एक फंक्शन चलाओगे, और फंक्शन कहाँ पर चलाओगे, आप लोग इस तरीके से लिखोगे एक फंक्शन, और आप लोग यहाँ पर फंक्शन लिखते हुए आप लोग सिंपली, मैंने फंक्शन पर वीडियो बनाती है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली, मुझे मान लो इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर ही तो चाहिए मुझे, इवन और ओड आपको सुना होगा आप लोगों ने यार बेसिकली, ठीक है। तो इवन नाम से मैं सिंपली एक फंक्शन बना लेता हूँ उस तरीके से, और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे सिंपली इसमें एज ए पैरामीटर यहाँ पे ये जो मेरा एरे है उसको मैं सिंपली यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली कंडीशन देता हूँ, इफ़ अगर ये जो मेरा नम्स है, इस ये जो नम्स है अगर उसमें उसमें मैं सिंपली करूं क्या, उसमें अगर मैं ऐसा करूं सिंपली रिमाइंडर मैं सिंपली इस तरीके से करूं, मैं क्या करूं यहाँ पे आके सिंपली मैं रिमाइंडर करूं टू को, एंड जो इसका सेस होगा वो जीरो आएगा सिंपली, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से अगर ऐसा होता है तो आप लोग सिंपली रिटर्न करते हैं यहाँ पे आके ट्रू इस तरीके से, ठीक है, रिटर्न ट्रू करते हैं, एल्स अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पे सिंपली रिटर्न क्या कर दें, फॉल्स कर दें, जो कि परफेक्ट है, ठीक है। होप कि आपको सिंपली ये जो लॉजिक है वो क्लियर हो गया होगा यार। बेसिकली मैंने कुछ ऐसा बोला है कि ये जो नंबर है हमारे एरे हैं, इसमें से जो भी आइटम होगा अगर उसको मैं सिंपली टू से करूँगा डिवाइड, अगर वो सिंपली उसका रिमाइंडर बचता है जीरो इस तरीके से, अगर वो उसका डिवाइड करने पे अगर उसका रिमाइंडर जीरो आ गया तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि उसको मैं सामने शो कर दूंगा, बाकी के मेरे सामने प्रेजेंट नहीं होंगे, तो मैं सिंपली फ़िल्टर कर रहा हूँ, और मैं फ़िल्टर का यूज़ कर सकता हूँ अभी, और मैं कैसे कर सकता हूँ, तो गाइस जो फ़िल्टर का सिंटेक्स होता है ना, मैं इस तरीके से डाल देता हूँ, सिंटेक्स ऑफ द फिल्टरिंग एरे, या फिर सिंपली इस तरीके से डाल रहा हूँ मैं, फिल्टर एरे इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा क्या, मैं यहाँ पे एको कर देता हूँ एक बार, और मैं सिंपली यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ चीज़ों को, ठीक है, ऑल राइट। और मैं यहाँ पे सिंपली ऐसा करूँगा कि आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट आर, ठीक है, और प्रिंट आर लिखते हो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरे एंड अंडरस्कोर फिल्टर, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर आप लोग करोगे क्या, उसके अंदर आप लोग सिंपली ऐसा करोगे, इस तरीके से मुझे एक और करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे करोगे क्या, और मुझे यहाँ पे एक एरर दिख रही है, ठीक है, अब सही है। तो इसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एरे फिल्टर के अंदर मुझे बेसिकली क्या क्या पास करने पड़ते हैं, तो मैंने सिंटेक्स तो आप लोगों को बताया नहीं, सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है इसका, आपको लिखना पड़ेगा सिंपली एरे अंडरस्कोर फिल्टर, और उसके अंदर आपको पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले आप लोग पास करते हो इसके अंदर एरे, उसके बाद में आप लोग सिंपली उसमें पास करोगे क्या, जो भी आपका कॉल बैक फंक्शन होगा वो, ठीक है, कॉल बैक जो भी आपका फंक्शन होगा वो चीज़ पास करोगे, और उसके बाद में आप लोग करोगे क्या, उसके बाद में आप लोग सिंपली उसमें फ्लैग पास करोगे। अभी जो फ्लैग होता है ना, ये सिंपली ऑप्शनल होता है, इसका यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, किया ही नहीं जाता बेसिकली, मैं आपको बताऊँ तो अगर आप लोगों को सिंपली फ्लैग यूज़ करना, उसका भी एक अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग सिंपली दो समझें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एरे पास करूँगा इसके अंदर, और एरे कौन सा है, एरे है मेरा सिंपली यहाँ पे आके, एरिया मेरा यहाँ पे सिंपली आके क्या, मेरा जो मैन एरिया मैं सिंपली नम्स इसके में पास कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं सिंपली क्या पास कर देता हूँ, इसके आगे कोट्स के अंदर आपको सिंपली आपका जो फंक्शन का नाम है, जो इवन नम है, इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं सिंपली यहाँ पे सेमी कोलन पुट कर देता हूँ। चलो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और इसी के साथ साथ मैं एक काम और करना चाहूँगा, मैं सिंपली प्रिंट करवाना चाहूँगा क्या, मैं प्रिंट आर करवाना चाहूँगा सिंपली, ऑल राइट, प्रिंट आर करवाना चाहूँगा गाइस, मैं प्रिंट आर करवा क्यों नहीं रहा, मैं सिंपली इस तरीके से मैं यहाँ पे नम्स को करवाना चाहूँगा इस तरीके से, ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पे सेव कर देता हूँ। चलो और रिफ्रेश करते हैं इसको, और ये देखो मेरे सामने हुआ क्या, ये देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा कम जूम किया बेसिकली मैंने, देखो मेरा मैन एरे था वो सिंपली 0, 22, 11, 34, 43, 56, 65 इस तरीके से मेरे पास ये नंबर थे जो हमने बनाए थे, लेकिन देखो मैंने फ़िल्टर करने के बाद क्या मुझे मिलता है कि दो से
डिवाइड होने पे अगर जीरो शेष रहता है तो आप लोग उसी नंबर को मेरे सामने प्रिंट करें। 11 में नहीं रहता है, 22 में रहता है, 11 में नहीं रहता, 11 मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। 34 में रहता है, प्रिंट हुआ। 43 में नहीं रहता, 56 में रहता है, प्रिंट हुआ। 65 में नहीं रहता, 78 में रहता है मेरे सामने, 78 प्रिंट हुआ। इसमें भी नहीं रहता, इसमें भी, इसमें भी नहीं रहता, इस 99 में भी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर पाए, फिल्टर कर पाए। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली एरे फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। होप कि ये प्रोग्राम आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको सीखने को कुछ मिला होगा इसके अंदर। अगर कुछ भी इसमें थोड़ा बहुत भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और ऐसे ऑसम प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।